नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेनू वैद आज आपको कक्षा बीएड सेकंड ईयर के जो आकलन का महत्व और आकलन के प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में बच्चों आपने आकलन का अर्थ, परिभाषा इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है आकलन का महत्व। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आकलन का मतलब होता है मूल्य अंकन। मूल्य प्लस अंकन से मिलकर के आकलन बना है और इसका मतलब है कि मापन जो कि मात्रा को निर्धारित करता है और उस मात्रा का क्या कर देना, मात्रा को एक स्थान निर्धारित कर देना ही क्या कहलाता है बच्चों, आकलन कहलाता है। आकलन बच्चों मूल्यांकन का ही छोटा रूप है। आकलन मूल्यांकन का छोटा रूप है। मूल्यांकन अंत में किया जाता है जबकि आकलन समय समय पर बच्चे को दिया बच्चे का किया जाता है और मूल्यांकन करने से पहले ही उसमें सुधार किया जाता है, वो ही कहलाता है बच्चों आकलन। और अगर मूल्यांकन से पहले बच्चे का आकलन कर दिया जाता है तो बच्चा अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर सकता है, बच्चा अपनी योग्यता क्षमता को बढ़ा सकता है, बच्चा अपने आप में सुधार कर सकता है, शिक्षक शिक्षण कौशलों में सुधार कर सकता है, शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है। तो ये मूल्यांकन से पहले की अवस्था है बच्चों आकलन। एक शब्द और आता है बच्चों आपके दिमाग में भी आया होगा, मापन। मापन मात्रा को निर्धारित करता है बच्चों, जबकि आकलन जो है सभी परिस्थितियों का किया जाता है, चाहे वो बालक का हो, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो विद्यालय वातावरण का हो, शैक्षिक परिस्थितियों का हो, शिक्षण कौशलों का हो, शिक्षण विधियों का हो, सभी का क्या किया जा सकता है बच्चों, आकलन किया जा सकता है। तो आकलन एक व्यापक अवधारणा है जबकि मापन एक संकुचित अवधारणा है। मापन केवल शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करती है जबकि आपका आकलन जो है शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, विद्यालय वातावरण सभी का क्या करता है, माप करता है। तो आकलन होता है उसके आधार पर उसके मूल्य को निर्धारित किया जाता है, उसके स्थान को निर्धारित किया जाता है, वो ही कहलाता है बच्चों आकलन। आकलन के बाद एक शब्द आपने और सुना होगा बच्चों, मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन भी आकलन का ही दूसरा रूप है। आकलन मूल्यांकन का एक छोटा रूप है बच्चों, ठीक है। तो छोटा रूप है आकलन और मूल्यांकन एक विस्तृत अवधारणा है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जो सतत है, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए समय समय पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसके मूल्य को निर्धारित किया जाता है। तो अब बात आती है कि जो हमने आकलन पढ़ा उसके क्षेत्र पढ़े, अब आज अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है आकलन का महत्व। आकलन की इम्पोर्टेंस क्यों है, समय समय पर विद्यार्थियों शिक्षकों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि आकलन क्या क्या करता है वो देखो। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु, आप सब जानते हो शिक्षक ने व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाया, लेकिन जब उसने आकलन किया दूसरे दिन उसने प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा पढ़ाया, तो उसने देखा कि जो उसने प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया था वो ज्यादा प्रभावशाली हुआ। तो उसने व्याख्यान विधि और आपकी प्रोजेक्ट विधि का क्या किया बच्चों, आकलन किया। छात्रों की अधिगम क्षमता को देखा तो उसको लगा कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी तभी बनाया जा सकता है जब उसमें क्या किया जा सकता है बच्चों, आकलन किया जा सकता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में आकलन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात आती है बच्चों शिक्षक और छात्र का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए। देखो बच्चों आप सब जानते हैं बच्चों कि छात्र जब क्लास में बैठता है तो अपना भी आकलन करता है, वो देखता है कि दूसरा बच्चा प्रश्न का जवाब दे रहा है, मैं नहीं दे पा रहा हूं, तब वो आकलन करता है। तो वो देखता है, कंपैरिजन करता है,
छात्र देखता है कि वो एक समय में कितना ध्यान केंद्रित कर पाता है, छात्र देखता है कितनी बार वो अभ्यास कर रहा है लेकिन नहीं सीख पा रहा है, छात्र देखता है कि जो उसने लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे उन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है। तो ये शिक्षक देखता है कि जिस शिक्षण विधि के माध्यम से उसने पढ़ाया था क्या छात्र ने अधिगम किया, या वो जो पढ़ा रहा है जिस शिक्षण विधि के माध्यम से क्या वो अधिगम निरस्त तो नहीं है, क्या कक्षा का वातावरण अच्छा है या नहीं है, उसका समय समय पर आकलन करता है और आकलन करने के बाद में ही क्या कर सकता है, वो अपना मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक द्वारा ये देखने के लिए कि वो जो जिस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ा रहा है वो सही है या नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो बच्चों शिक्षक एवं छात्र के स्वयं मूल्यांकन के लिए भी आकलन का महत्व होता है। अब बात आती है बच्चों छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए। आप सब जानते हैं बच्चों विद्यार्थी ने क्या सीखा उसका आकलन किया जाता है। मान लो क्लास में बच्चा बार बार पढ़ाने के बावजूद भी जवाब नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं सीखा। बार बार बच्चे से अभ्यास करवाया जा रहा है, बार बार बोर्ड पर लिखा जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है लेकिन फिर भी वो अच्छे तरीके से लिख नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि छात्र की प्रगति का निष्पादन अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, आकलन किया। तो विद्यार्थी ने क्या सीखा इसका हमने क्या किया, आकलन किया। तो विद्यार्थी ने क्या सीखा उसकी प्रगति का पता लगाने में आकलन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर आता है क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान व कौशल का उपयोग कर सकते हैं। देखो बच्चों जब छात्र को टीचर पढ़ा रहा होता है तो हम उस चीज को देख सकते हैं कि किस नए ज्ञान व कौशल की शिक्षा बच्चा एडॉप्ट कर सकता है, सीख सकता है, इस एज में आकर के सीख सकता है। ये तभी हो सकता है जब हम उस बच्चे का क्या कर पाते हैं, आकलन कर पाते हैं, जब हम देख पाते हैं कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि है या सृजनशील है। उसकी नीड्स को देखते हुए, उसके ज्ञान को देखते हुए हम उसमें नए ज्ञान और कौशल का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात का पता हमें आकलन के माध्यम से ही चल सकता है। फिर आता है बच्चों क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में ज्ञात कर सकता है। मतलब ये है कि जो छात्र को पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ एक नया ज्ञान भी दिया जा सकता है, क्या छात्र उसका अधिगम कर पाएगा। तो अधिगम कर पाएगा उससे पहले हम इस छात्र का शैक्षिक परिस्थितियों का, शिक्षक का, सभी का क्या करते हैं बच्चों, आकलन करते हैं। तो आपने देखा कि छात्र की प्रगति में विद्यार्थी ने क्या सीखा, क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान व कौशल का उपयोग कर सकते हैं इसका पता लगाने के लिए, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में, और वैधानिक प्रश्न पोषण प्रदान करने में आकलन का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब बात आती है बच्चों कि वैधानिक प्रश्न पोषण प्रदान करने में, फीडबैक प्रदान करने में। आप सब जानते हो बच्चों जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो छात्र से प्रश्न पूछता है और जब छात्र प्रश्न का उत्तर देता है तो टीचर उसको फीडबैक देता है, प्रश्न पोषण देता है। मतलब बहुत अच्छा बताया, कम अच्छा बताया, और कोशिश करो, इस तरह के आंसर जो है वो टीचर के द्वारा दिए जाते हैं ताकि बच्चे को ये पता चल जाता है कि उसने कैसा जवाब दिया। या हम कह सकते हैं कि मान लो किसी बच्चे ने कॉपी जब उसकी चेक हुई, उसका एग्जाम हुआ, उसकी परीक्षा ली गई और टीचर के द्वारा बताया गया कि बच्चों बच्चे तुमने बहुत अच्छे, मतलब राइटिंग बहुत अच्छी थी, आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, आपने गणित में बहुत अच्छा किया है, आपने साइंस में अच्छा नहीं किया है। तो ये सारी वैधानिक प्रश्न पोषण जो प्रदान होता है वो आकलन के माध्यम से ही किया जा सकता है बच्चों। फिर आता है बच्चों विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने में।
आपने देखा जब क्लास में सह एक्टिविटी बच्चा कर रहा होता है तो उसमें अगर वो क्रिकेट अच्छा खेल पा रहा है, बास्केटबॉल अच्छा खेल पा रहा है या अदर एक्टिविटी बहुत अच्छी कर पा रहा है तो उसके लिए पहले शारीरिक शिक्षक उसका क्या करता है, आकलन करता है और देखता है कि विभिन्न क्षेत्रों में वो क्या क्या प्रगति कर रहा है। उसका मूल्यांकन करने में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसका पहले आकलन करना पड़ेगा कि ये बच्चा आगे जाकर के क्रिकेट खेलेगा या आगे जाकर के बास्केटबॉल में अच्छा कर सकता है। तो छात्र की प्रगति का मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों में करने में भी आकलन का योगदान होता है। अब आता है बच्चों छात्र की समझ का स्तर ज्ञात करने में कि जो बच्चे को सेवंथ क्लास में पढ़ाया जाना है क्या वो ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम की सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए, फिफ्थ क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए किस कौशल का शिक्षण कौशल का उपयोग होना चाहिए, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, किस लेवल का पाठ्यक्रम होना चाहिए, छात्र की विभिन्नता को ध्यान में रखना। तो ये सब चीजें हम तभी कर सकते हैं जब बच्चों जब छात्र की समझ का स्तर हमें ज्ञात हो। हमें छात्र की समझ का ज्ञात करने में अधिगम की प्रगति, बच्चा कितना अधिगम कर पा रहा है ये उसके अंकों से निर्धारित हो जाता है बच्चों, उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है। छात्र को समस्या दे रखी है लेकिन उसका कई बच्चे समाधान कर पा रहे हैं, कई बच्चे समाधान नहीं कर पा रहे हैं, कई बच्चे थोड़ा सा कर पा रहे हैं, तो ये छात्र की प्रगति का मूल्यांकन भी हम आकलन के माध्यम से कर सकते हैं। फिर आता है शिक्षण विधियां। आप सब जानते हैं बच्चों कि जो टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर का कक्षा में जिस शिक्षण विधि का उपयोग किया गया है उससे कितना अधिगम बच्चे ने किया और अच्छा अधिगम कराने के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है, किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग करने से अधिगम प्रभावशाली हुआ, ये सब चीजों का मूल्यांकन करने में आकलन का महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों। फिर आता है बच्चों अधिगम उचित स्थान निर्धारण करने में। आप सब जानते हैं बच्चों किसी बच्चे का हम आकलन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस बच्चे में क्या कमी है, किस बच्चे में क्या खूबी है, किस बच्चे में किस क्षेत्र में रुचि है, किस में उसमें अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। ये उचित स्थान निर्धारण करने में वो बच्चा प्रतिभाशाली है या वो बच्चा सृजनशील है, वो बच्चा मंदबुद्धि है या वो बच्चा औसत बालक है या वो बच्चा अपवंचित बालक है, इन सब का स्थान निर्धारण करने में भी आकलन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आता है बच्चों गुणात्मक जानकारी प्रदान करने में। आप सब जानते हो बच्चों कि आकलन के माध्यम से पाठ्यक्रम के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में संस्थाओं को ये पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आकलन के माध्यम से ही कोई भी जो शैक्षणिक हाई लेवल की जो उच्च स्तरीय संस्थाएं हैं वो गुणवत्ता सुधार भी किसके माध्यम से करती है, आकलन के माध्यम से, कि किस तरह बच्चे को अधिगम कराने के लिए, प्रभावशाली अधिगम करवाने के लिए किस तरह की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में कौन कौन सी चीजों को समाहित किया जाना चाहिए, किन किन चीजों को और ज्यादा अच्छा बना करके हम अच्छा शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, शिक्षण मॉड्यूल्स तैयार करके शिक्षण कौशलों का विकास करने में, इन सब में बच्चों आकलन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो गुणात्मक जानकारी प्रदान करने में और गुणात्मक शिक्षा में अभिवृत्ति करने के लिए में भी आकलन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि अगर छात्र को गुणात्मक शिक्षा देनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आकलन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर है आत्मनिर्भरता में वृद्धि। देखो बच्चों अगर बच्चे से समस्या दी जाएगी उस समस्या का समाधान बच्चा अपने आप करेगा, ऐसे शिक्षण कौशलों के माध्यम से आजकल पढ़ाया जा रहा है जिसमें शिक्षक का योगदान केवल एक सहायक की भूमिका निभा रहा है, तो छात्र इससे आत्मनिर्भर बन रहा है, वो देख रहा है कि वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है,
किस क्षेत्र में नहीं कर सकता, अपने लक्ष्यों को छात्र निर्धारित कर रहा है, किन किन कौन उसकी अधिगम क्षमता कितनी है, उसकी ध्यान केंद्रण क्षमता कितनी है, तो इसके माध्यम से उसकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो रही है। फिर है कक्षा कक्ष के वातावरण में परिवर्तन। आप जानते हो बच्चों, अधिगम प्रभावशाली नहीं होने के पीछे कक्षा कक्ष के वातावरण का अच्छा न होना भी शामिल है। बच्चों आप देख रहे हैं, कोई किसी भी क्लास में बच्चे सो जाते हैं, किसी टीचर की क्लास में बच्चे सो जाते हैं, इसका मतलब है कक्षा कक्ष का वातावरण बड़ा ही नीरस है, और नीरस वातावरण में कोई भी बच्चा अच्छा अधिगम नहीं कर सकता। तो हम उस क्षेत्र का आकलन करके उस कक्षा कक्ष के वातावरण को अच्छी शिक्षण विधियों के माध्यम से, शिक्षण कौशलों के माध्यम से, शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से, विभिन्न शिक्षण सामग्रियों के द्वारा, अध्ययन सामग्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं बच्चों, कक्षा कक्ष के वातावरण को नीरस के स्थान पर अच्छा बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर है बच्चों आत्मविश्वास में वृद्धि। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि किसी भी बच्चे का आकलन होता है, जब उसका शैक्षिक निष्पादन अच्छा होने लगता है, उसकी सह शैक्षणिक गतिविधियां अच्छी होने लग जाती है, तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, कैरिकुलम एक्टिविटीज में उसको अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं, तो बच्चे में किसकी वृद्धि होती है बच्चों, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब कोई टीचर श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से अधिगम करवा रहा होता है, उसके बाद बच्चों के आंसर्स अच्छे आते हैं, तो उस टीचर में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आकलन के माध्यम से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। तो आपने आकलन का महत्व पढ़ा, उसमें फर्स्ट बिंदु है बच्चों शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु, शिक्षक एवं छात्र के स्वयं मूल्यांकन के लिए, छात्र की प्रगति का पता लगाने में, क्या क्या पता लगाने में, विद्यार्थी ने क्या सीखा, क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान व कौशल का उपयोग कर रहे हैं, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, वैधानिक पृष्ठ पोषण प्रदान करने में, विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने में, छात्र की समझ का स्तर ज्ञात करने में, अधिगम की प्रगति, शिक्षण विधियों उचित स्थान निर्धारण करने में, गुणात्मक जानकारी प्रदान करने में, आत्मविश्वास में वृद्धि करने में, कक्षा कक्ष के वातावरण में परिवर्तन करने में और आत्मविश्वास में वृद्धि करने में आकलन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आकलन शैक्षिक वातावरण को अच्छा बनाता है, कक्षा कक्ष के वातावरण को अच्छा बनाता है, अधिगम को प्रभावशाली बनाता है, छात्र की प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं, शिक्षण भी अपना आकलन कर सकता है आकलन के माध्यम से। अब बात आती है बच्चों आकलन के प्रकार। आकलन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक स्व आकलन और एक सहकर्मी आकलन। स्व आकलन क्या है बच्चों? स्व आकलन का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। स्व आकलन का मतलब होता है स्वयं का आकलन, खुद का आकलन छात्र अपने आप करता है, उस आकलन को बच्चों क्या कहते हैं? स्व आकलन कहते हैं। सहकर्मी आकलन का मतलब है जब हम अपना आकलन दूसरे सहपाठी के साथ करते हैं, सभी के साथ मिलकर के आकलन करते हैं, तो वो जो आकलन है वो कहलाता है बच्चों सहकर्मी आकलन, या इसको आप सामूहिक आकलन भी कह सकते हैं बच्चों। अब आपका जो स्व आकलन है वो दो तरीके से होता है बच्चों, एक छात्र द्वारा स्व आकलन और एक शिक्षक द्वारा स्व आकलन। दोनों के द्वारा स्व आकलन किया जा सकता है। छात्र अपना आकलन जो करेगा उसमें क्या देखेगा? वो देखेगा कि कौशल के मध्य अंतराल की पहचान करेगा, कि शिक्षण कौशल के मध्य जो अंतराल है उसकी क्या करेगा? पहचान करेगा कि किस शिक्षण कौशल से वो अच्छा सीख पाता है। वो ये देखता है
कि उसमें किस कौशल का विकास हुआ, सृजनात्मक कौशल का विकास हुआ, रुचि में अभिवृत्ति हुई, अभिवृत्ति का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, तो जो उसने सीखा उसमें वो देखेगा कि उसने कितना सीखा। अब जब बच्चा क्लास में होता है तो वो ये देखेगा कि वो कितनी देर तक अपना ध्यान टीचर की बातों में लगा पा रहा है, कितना ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हो बच्चों, अगर अधिगम को प्रभावशाली बनाना है तो ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। तो ध्यान का केंद्रण करने में भी स्वयं आकलन के माध्यम से करता है। फिर है लक्ष्य। आप सब जानते हैं बच्चों कि छात्रों के अपने लक्ष्य होते हैं। अगर उसे अपने लक्ष्यों की पूर्ति करनी है तो वो बार बार क्या करता रहता है, स्व आकलन करता रहता है और देखता है कि किस हद तक उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। तो स्व आकलन के माध्यम से लक्ष्य के बारे में जान पाता है कि उसने किस सीमा तक लक्ष्यों को प्राप्त किया है और किस सीमा तक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है। फिर आता है बच्चों प्रगति। छात्र देख पाता है कि वो गणित में अच्छा है। छात्र अपना मूल्यांकन के आधार पर देख सकता है कि वो विज्ञान में अच्छा है, वो साइंस में अच्छा है, विज्ञान में अच्छा है या गणित में अच्छा है, इसमें अच्छा क्यों नहीं है, इसमें और अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकता है और किस तरीके से वो और अच्छी प्रगति कर सकता है, इसका छात्र क्या करता है बच्चों, मूल्यांकन करता है। तो छात्र अपने कौशल के मध्य अंतराल की पहचान करता है, अपने ध्यान केंद्रण के बारे में पता लगाता है कि उसमें किसका विकास हुआ है, इसके बारे में वो देखता है कि उसने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य उसने प्राप्त किए या नहीं किए, इसके बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करता है। इसके बारे में देखता है कि उसने जो छात्र प्रगति के बारे में देखता है, अपने अंकों के माध्यम से अपना स्थान निर्धारित करता है कि उसमें इसमें कम नंबर आए हैं तो और अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार वो अच्छे अंक ला सकता है, किस प्रकार अदर एक्टिविटी कर सकता है, ये सब चीजें वो स्वयं आकलन के माध्यम से करता है। फिर आता है शिक्षक क्या करता है बच्चों। शिक्षक देखता है कि जिस शिक्षण विधि के माध्यम से उसने पढ़ाया है क्या वो शिक्षण विधि प्रभावशाली है, क्या ज्यादातर छात्रों ने उस शिक्षण विधि के माध्यम से सीखा है, ये देखता है। दृश्य श्रव्य सामग्री। शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो जिस दृश्य और श्रव्य सामग्री के माध्यम से वो पढ़ाता है तो पढ़ाते समय वो देखता है कि जिस शिक्षण विधि के माध्यम से उसने पढ़ाया है उस शिक्षण विधि के माध्यम से वो शिक्षण प्रभावशाली हुआ है या नहीं हुआ, उसने जो सिखाया है क्या छात्रों ने सीखा है या नहीं सीखा है या कितना सीखा है, इन सब के बारे में आकलन करता है। शैक्षिक अनुभव प्रदान करने में, आप सबको पता है शिक्षक द्वारा अपने शैक्षिक अनुभवों को छात्र को बताया जाता है, छात्र उनका वास्तविक जीवन में प्रयोग करता है और उस सैद्धांतिक ज्ञान का विद्यालयी वातावरण में और समाज में उपयोग करता है। तो शिक्षक देखता है कि जिस प्रकार का ज्ञान उसने बच्चे को उपलब्ध करवाया था क्या वो उस शैक्षिक वातावरण में, सामाजिक वातावरण में या वास्तविक परिस्थितियों में उसका उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका मूल्यांकन करता है। अधिगम रुचि। अब शिक्षक ये भी देखता है कि जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है वो रुचिपूर्ण है या नहीं है, क्या वो कक्षा के वातावरण को नीरस तो नहीं बना रहा, जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसको किस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए ताकि अधिगम क्या हो सके, रुचिपूर्ण हो सके। तो स्व आकलन के माध्यम से छात्र भी अपना आकलन करते हैं और शिक्षक भी अपना आकलन करते हैं और इस आकलन के माध्यम से ही शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है, अधिगम को हम प्रभावशाली बना सकते हैं, जो आपकी बुक का भी नाम है बच्चों, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है उसमें आकलन का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा जो आपका पार्ट है बच्चों वो है सहकर्मी आकलन।
सहकर्मी आकलन का मतलब है जो सामूहिक दृष्टिकोण से, सामूहिक दृष्टिकोण से जो आकलन किया जाता है वो सहकर्मी आकलन कहलाता है। जब छात्र ये देख रहे हैं कि हम सब बच्चे इस चीज को क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कौन से सारे बच्चे शैक्षिक अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, किस में सभी छात्रों में किस गुण का विकास नहीं हो पा रहा है, कौन से गुण का अधिक विकास हो पा रहा है, सभी बच्चे देखते हैं, सभी बच्चे अभ्यास के माध्यम से, मतलब अभ्यास के माध्यम से एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे की कॉपी के माध्यम से देखते हैं कि किस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है और किस बच्चे की अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, तो दूसरे से अपनी क्या करता है, तुलना करते हैं। छात्र एक दूसरे से मिल करके उस चीज को देखते हैं कि किस माध्यम से हमें पढ़ाया जाए या किन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है और किन लक्ष्यों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, ये छात्र स्तर पर किया जाता है। फिर आता है बच्चों शिक्षक स्तर पर। शिक्षक स्तर पर क्या किया जाता है बच्चों? शिक्षक स्तर में आपको पता है शिक्षक देखता है कि उसकी कितनी भूमिका है, उसने कितना योगदान दिया है, दूसरे शिक्षक से अपनी क्या करता है, तुलना करता है। इसके अलावा देखता है छात्र छात्रों को जागरूक करना है, कितना बच्चे जागरूक हुए हैं, कितना अधिगम कर पाए हैं, तो एक सामूहिक रूप से जो है उसका आकलन जो है वो किया जाता है सहकर्मी आकलन के अंतर्गत। तो आपने आकलन के प्रकार देखे, स्व आकलन और सहकर्मी आकलन, इन आकलनों का बहुत बड़ा महत्व है बच्चों। सहकर्मी आकलन के माध्यम से सामाजिकता के का गुण होता है, बच्चे में भूमिका व योगदान का प्रतिबिंबन करने में निर्णायक कौशल का विकास होता है। इसके अलावा पृष्ठ पोषण जो सहकर्मियों द्वारा दिया जाता है, इससे पृष्ठ पोषण देना टीचर सीख जाता है। सहकर्मियों द्वारा प्रत्येक सदस्य का योगदान आंका जाता है कि किस शिक्षक ने इसमें कितना योगदान दिया है। सहकर्मी आकलन के माध्यम से मान लो बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा गया उस स्कूल का, तो एक सहकर्मी आकलन है, हर शिक्षक के योगदान का आकलन है। इसमें निर्णय क्षमता का विकास होता है, पृष्ठ पोषण का विकास होता है, परस्पर एक दूसरे के गुणों को हम सीख पाते हैं, उनके योगदान की ग्रेडिंग उसके सहकर्मी करते हैं। तो ये सब क्या है, सहकर्मी बताते हैं कि उसमें इस कौशल का यह चीज वो अच्छी कर सकता है। तो ये सब जो है सहकर्मी आकलन के क्या है बच्चों, क्या है सहकर्मी आकलन की का महत्व है। इसके अलावा स्व आकलन की बात करें तो स्व आकलन के माध्यम से बच्चे का अधिगम बहुत अच्छा हो सकता है। सहकर्मी आकलन के माध्यम से छात्र और शिक्षक की निर्णय की क्षमता में वृद्धि हो सकती है, अपनी शिक्षण योजनाएं बनाने में और उसमें सुधार करने में भी स्व आकलन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये आज आपने आकलन का महत्व और आकलन के प्रकारों के बारे में पढ़ा बच्चों। आगे के वीडियोस में हम मूल्यांकन, मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की परिभाषाएं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप चाहते हैं बच्चों मैं इसी तरह से आपको पढ़ाती रहूं, और जो आपका बुक है अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट ऑफ द लर्निंग के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाऊं, तो आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, और जो बीएड सेकंड ईयर के जो छात्र हैं वो बोर्ड पर लिखाए हुए नोट्स को ध्यानपूर्वक लिखे, कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि ये कॉपी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये नोट्स बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।